नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पर। मैं सब साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। आज हम लोग देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। संक्रियाएं क्या होती हैं? जैसे हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं, जब शुरू में नंबर पढ़ा था तो हम लोग ने नंबर्स को जोड़ना घटाना, नंबर पे गुणा भाग, ये सब संक्रियाएं ही बोली जाती हैं। तो वही सब टाइप की संक्रियाएं, उसी से मिलती जुलती संक्रियाएं हम लोग क्या करेंगे, समुच्चय पे करेंगे। तो संक्रियाओं का मतलब क्या होता है, वही जो नंबर्स में आप करते हैं, जोड़ते हैं, दो नंबर्स को घटाते हैं, तो वही सब चीज यहाँ पे भी हम लोग करके समुच्चयों में देखेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इसमें समुच्चय पर संक्रियाओं में, पहला जो पॉइंट आता है, हम लोग क्या करते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो समुच्चय पर संक्रियाएं ये आपका हेडिंग है, और इसके अंदर जो पहला पॉइंट हम लोगों का आएगा वो समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इसमें पहला जो हेडिंग आपका आएगा समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन जो वर्ड होता है रियल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं कि जो दो ग्रुप है इन्होंने इन्होंने क्या कर दिया, यूनियन बना लिया, समूह बना लिया। यूनियन मतलब एकजुटता बना लिया, मतलब दोनों क्या हो गए, दो अलग अलग ग्रुप थे, दोनों ने जैसे दो पार्टियां जो है यूनियन बना लेती हैं, एकजुट हो जाती हैं। तो एकजुट हो जाती है मतलब कि अब जब एकजुट हो गए तो इनके भी शामिल हो गए, उनके भी दोनों मिल जाते हैं दूसरे में। वही यहाँ पे भी है, जब दो समुच्चयों का या दो से ज्यादा समुच्चयों का हम लोग सम्मिलन करेंगे, यूनियन करेंगे, तो सारे के एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें सारे एलिमेंट हो। मान लेते हैं ए और बी दो समुच्चय हैं जिनका हम लोग सम्मिलन करना चाहते हैं, तो एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें ए के एलिमेंट भी हो और बी के एलिमेंट में भी हो, यानी ए के सारे एलिमेंट हो और बी के सारे एलिमेंट हो, तो वही क्या हो जाएगा, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय हो जाएगा। अब होगा ये कि ए और बी में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम लोग दो बार नहीं लिखते, क्योंकि जब हम लोग सेट बनाते हैं तो किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद फिर डिफिनेशन वगैरह लिखेंगे। हम लोग मान लेते हैं एक सेट ए है आपका, इसमें एलिमेंट के रूप में है 1, 2, 3, 4, 5। सेट बी है आपका, ये एलिमेंट के रूप में इसमें है मान लेते हैं 2, 4, 6, 8। अब हम लोग क्या करते हैं, समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय निकालना चाहते हैं, समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन करना चाहते हैं, समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जो लिखने का तरीका होता है अभी देखते हैं। ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ा जाता है, ए सम्मिलन बी, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी या ए और बी का सम्मिलन, ए यूनियन बी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी मिलाएंगे, क्योंकि ए और बी ने मिलकर यूनियन बना लिया है, तो जो यूनियन बनेगा उसमें ए वाले भी सारे होंगे, बी वाले भी सारे होंगे, तो ए के सारे हम लोग पहले लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, फिर बी वाले हम लोग लिख दें 2, 4, 6, 8, तो ये बन गया। लेकिन अब हम लोग एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जो ये 2 है ये दो बार आया है, किसी समुच्चय में हम लोग किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, तो दो बार आया है तो इसको एक बार हटा देते हैं। 4 को हम लोग देखते हैं, 4 दो बार आया तो एक बार हटा देते हैं, बाकी सब कुछ वैसे है। और 6, 8 को थोड़ा नजदीक में लिख लेते हैं, ये बात खत्म हो गया, आपका ये क्या हो गया, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय हो गया। तो सम्मिलन समुच्चय का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय बनाइए जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट हों, लेकिन कोई भी एलिमेंट दोबारा ना लिखा जाए, यही होता है सम्मिलन समुच्चय।
यहाँ से एकदम समझ में आ गया। हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं एक सेट है ए ई आई ओ यू और एक सेट हम लोग बी जो है डिफाइन करते हैं, यह 4 6 8 10। अब हम लोग ए और बी का यूनियन बनाना चाहते हैं, सम्मिलन करना चाहते हैं दोनों का, तो सम्मिलन जो इनका सम्मिलन समुच्चय होगा उसमें ए के सारे एलिमेंट होंगे ए ई आई ओ यू ये सारे आ गए, बी के सारे एलिमेंट होंगे 4 6 8 10। बस ए और बी दोनों के एलिमेंट हम लोग उठा के उसी में पटक देते हैं। बस एक बात ये रखना रहता है कि बस रिपीट ना हो, तो जो एलिमेंट रिपीट रहता है उसको एक बार हटा देते हैं, बाकी सम्मिलन हो गया, बात खत्म, यूनियन ऑफ सेट। तो ये यूनियन सब कुछ बड़ा आसान होता है, इसमें कुछ होता नहीं, आप रियल लाइफ में ये सब देखते समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप थोड़ा डिफिनेशन लिख लेते हैं और मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाता है ये लिख लेते हैं, दो चीजें हम लोग करते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफिनेशन में क्या होगा कि दो समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के, ए के सारे अवयव हो और बी के भी सारे अवयव हो और किसी भी एलिमेंट को दोबारा ना लिखा जाए, बात खत्म हो गया है। इसमें जो डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं पहले परिभाषा, और जो सम्मिलन होता है कोई जरूरी थोड़ी दो ही लोग का सम्मिलन हो, कोई शादी थोड़ी हो रही है कि दो ही लोग की शादी होगी, इसमें गठबंधन हो रहा है, कितने भी लोग शामिल हो सकते हैं। जैसे पार्टियां जो है सरकार बनाती हैं तो कितने भी लोग यूनियन बना सकते हैं, तो जरूर हमेशा ये नहीं होगा कि दो ही लोग का यूनियन निकाला जाएगा, सम्मिलन जो दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार, कितने भी हो सकते हैं। तो सम्मिलन समुच्चय की डिफिनेशन हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ए के भी सारे अवयव हो और बी के भी सारे अवयव हो लेकिन किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखा जाए, यही आपका डिफिनेशन हो गया। दो समुच्चयों ए और बी का दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सारे अवयव हों तथा बी के भी सारे अवयव हों और किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखा जाए, क्योंकि हो सकता है ए और बी में एलिमेंट अगर कॉमन हो तो उसको ए और बी दोनों को जो भरेंगे तो दो बार हो जाएगा, तो उसको एक ही बार लिखना है और सारे अवयव हो और किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखा जाए, और किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखा जाए। दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें ए के सारे अवयव हो तथा बी के भी सारे अवयव हो और किसी भी अवयव को दोबारा ना लिखा जाए। और हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी, हिंदी में क्या बोलेंगे, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय।
ये आपका डिफिनेशन हो गया। या हम लोग और भी लिख सकते हैं इसको, थोड़ा लैंग्वेज बदल देंगे कि दो समुच्चयों ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय है जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है या तो ए के हों और ए के भी सारे एलिमेंट हो, या तो या बी के भी सारे एलिमेंट हो। कहने मतलब कि जो है बात यही है कि ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वो है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हों और बी के भी सारे एलिमेंट हों, यानी उसके जो एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट कहाँ से आएंगे, ए वाले भी आएंगे और बी वाले भी आएंगे। और हम लोग मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी हम लोग मैथमेटिकली जो लिखेंगे, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, जहां पे एक्स क्या है, एक्स जो है या तो ए को बिलोंग कर रहा है, जहां एक्स बिलोंग टू ए, सभी एक्स जहां एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी। ये हो गया आपका सम्मिलन समुच्चय का लिखने का तरीका मैथमेटिकली। सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, एक्स या तो ए में है या एक्स बी में है, जो सारे एक्स हैं या तो ए में होंगे या बी में होंगे, कहीं ना कहीं जरूर होंगे वो। तो ये हो गया आपका सम्मिलन समुच्चय। अब इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस पे एग्जांपल हम लोग करते हैं। समुच्चयों का यूनियन जो है आसान है, सब बहुत आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका एग्जाम्पल जो है लेते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल हम लोग सेट ए ए ले लिए, जिसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी एक एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, इसमें एक एलिमेंट है ए बी सी डी 4 6 8। अब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी का सम्मिलन समुच्चय। तो ए के सारे एलिमेंट हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, और बी के सारे एलिमेंट होंगे ए बी सी डी 4 6 8। लेकिन अब हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना होने पाए। तो 4 2 बार आ रहा है तो एक बार हटा दिए, 6 जो है 2 बार आ रहा है तो एक बार हटा दिए, 8 2 बार आ रहा है इसीलिए हटा दिए। तो आपका ये समुच्चय, आपका सम्मिलन समुच्चय तैयार हो गया, ए यूनियन बी, सीधा सीधा। और इसको हम लोग वेन डायग्राम के रूप में कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी को ए और बी का सम्मिलन कराते हैं हम लोग। ये लेते हैं कि एक सेट आपका ए ये है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है आपका जो ए और बी, और हम लोग एक सेट बी इस हिसाब से लेते हैं कि ए और बी कट कर रहा है कहीं पे, कुछ एरिया कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के कुछ एलिमेंट जो हैं कॉमन हैं। अगर दोनों अलग अलग होते इसका मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट जो है उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतने एलिमेंट क्या हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो उभयनिष्ठ हैं। तो हम लोग अब ए यूनियन बी दिखाना चाहें तो ए और बी दोनों के एलिमेंट को लेके और इसको एक बार ले लिया जाए, तो ये पूरा अपना जो है, ये पूरा एरिया जो अपना हो जाएगा, ये सब ए यूनियन बी है, ये जो पूरा एरिया है यही क्या है आपका, पूरा का पूरा जो आपका एरिया मार्क किया है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हम लोग लिखते हैं, एग्जाम्पल आपका दिया है जिसमें आपको यूनियन निकालना है बुक में आपके। एग्जाम्पल नंबर आपका 13 देख लेते हैं। पहले ये कहा है कि मान लीजिए ए जो है एक सेट दिया है जिसमें ए ई आई ओ यू ये है, और बी सेट आपका दिया है आई सॉरी ए ए अच्छा आई भी है, तो आर्डर चेंज होने से कोई आई को पहले भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ए आई यू दर्शाइए कि ए यूनियन बी बराबर ए, इसमें आपको ये शो करना है, दर्शाइए कि
ए और बी का जब सम्मिलन समुच्चय होगा वो समुच्चय ए आ जाएगा, ये आपको दिखाना है और हम लोग इसका आंसर करने जा रहे हैं। तो ए और बी का जब सम्मिलन कराएंगे, ए और बी का, तो लिखेंगे क्या, ए यूनियन बी। ए में सारे एलिमेंट क्या हैं, ए ई आई ओ यू। बी में सारे एलिमेंट क्या हैं, ए ए आई यू। हम लोग आंख बंद करके दोनों को लिख लिए। अब फिर देखते हैं जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। ए दो बार है, एक बार हटा दिए। आई दो बार है, एक बार हटा दिए। यू भी दो बार है, एक बार हटा दिए। तो आपका जो बना इनका सम्मिलन ये हो गया, ये समुच्चय। अब हम लोग देखते हैं ए भी तो यही है, तो ये तो प्रूव हो गया अपने आप में, ये इक्वल टू क्या हो गया, ए। यानी यहां से हमको क्या आ गया, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, यहां से प्रूव हो गया, ये शो हो गया, दर्शाइए। 14 नंबर एक और दिया है, फिर हम लोग देखते हैं। सम्मिलन का मतलब कि मिला देना है दोनों को, बस उठा के जैसे सम्मिलन कर लो। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, 14 नंबर आपकी बुक का। ये कह रहा है मान लीजिए एक्स एक समुच्चय है जिसमें राम, गीता और अकबर हैं। राम एलिमेंट के रूप में है, गीता है और अकबर। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, एक समुच्चय है राम, गीता, अकबर। कक्षा 11 के विद्यार्थियों का जो विद्यालय की हॉकी टीम में है, ये किसका समुच्चय है, क्लास 11th के हॉकी टीम में है। ये हॉकी टीम में जो है वह सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11th के हैं और हॉकी टीम में है, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। वाई कह रहा है गीता, डेविड और एक है अशोक, ये तीन लोग हैं, ये क्या हैं, कक्षा 11 के विद्यालय का जो विद्यालय की फुटबॉल टीम है, ये 11th क्लास के हैं, ये कौन सी टीम में है, फुटबॉल टीम में है। ये ऊपर वाले जो है 11th वाले हॉकी टीम में है, ये फुटबॉल टीम में है। एक समुच्चय है, एक्स यूनियन वाई ज्ञात कीजिए और इस समुच्चय की व्याख्या कीजिए। एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन का मतलब क्या होता है कि जो या तो हॉकी टीम में है और या फुटबॉल टीम में है। तो एक्स यूनियन वाई आपका क्या हो जाएगा, राम, एक्स वाले कितने कौन कौन से एलिमेंट है सारे लिख देते हैं हम लोग आंख बंद करके, राम, गीता, अकबर, ये एक्स में। वाई में क्या एलिमेंट है इसको हम लोग आंख बंद करके लिखेंगे, पहले गीता, डेविड और अशोक। अब हम लोग एक चीज ध्यान दें कि कोई एलिमेंट रिपीट ना हो। गीता दो बार है, गीता को एक ही बार लिखेंगे, डेविड, अशोक, हाँ यहाँ पे ये हो गया। तो एक्स यूनियन वाई में कितने आ गए, पांच लोग आ गए। और एक्स यूनियन वाई ये क्या है, बता क्या रहा है कि क्लास 11th के वह बच्चों का समूह है जो या तो फुटबॉल टीम में है या हॉकी टीम में। इसका लैंग्वेज में लिखा जाए तो ये क्या है, 11th के, ये क्या है, एक्स यूनियन वाई उन विद्यार्थियों का समुच्चय है, उन विद्यार्थियों का समुच्चय जो या तो हॉकी टीम में है, टीम में है या फुटबॉल टीम में है। ये 14 नंबर आपका एग्जाम्पल हो गया। तो इसको लिखते कैसे हैं वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि सभी एक्स एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी, उन सभी एक्स का समुच्चय जो या तो ए में है या बी में है। ये ए यूनियन बी जो है हम लोग ऐसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, उन सभी एक्स का समूह जो एक्स या तो ए में है या बी में है, या तो ए में है या बी में है, ये होता है आपका। और बेन डायग्राम तो हम लोगों ने बनाया था, बेन डायग्राम कि ए एक समुच्चय, बी एक समुच्चय, ये ए हो गया, ये बी हो गया। कट करने का मतलब इतना दोनों में कॉमन है
तो ये जो पूरा एरिया इधर का और ये पूरा एरिया, ये पूरा मिला के ये क्या बताता है, ए यूनियन बी। अब इसमें हम लोग जो है सम्मिलन की संक्रिया के गुणधर्म देखेंगे इसके बाद में, इसमें इतना ही रखेंगे हम लोग।